तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। और आप देख रहे हो टेक अजफर। तो आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कि आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ भी देने वाला हूँ फोटोग्राफी के लिए, और आपको एक बेस्ट मोबाइल भी बताने वाला हूँ। और मतलब बहुत ही एक अच्छा, मतलब कि आप किस तरीके से अपनी फोटोज़ को मतलब ले सकते हो, कोई भी मोबाइल हो आपके पास उसे बहुत ही एक बेहतरीन पिक्चर ले सकते हो, और आइडियाज़ भी आपको थोड़े बहुत बता दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक ये कि आपके मोबाइल में मैनुअल मोड होना चाहिए। मैनुअल मोड में आपको जो भी पिक्चर क्लिक करनी है आपने मैनुअल मोड में क्लिक करनी है। अगर मैनुअल मोड आपके मोबाइल में नहीं है तो सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाओ और लिख दो FV5 कैमरा। जैसे लिखोगे तो आपके पास वो वाला आ जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर पर नहीं जाना चाहते, बहुत ज़्यादा सस्ती आ रही, तो सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप सिंपली उस वाले डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आपको प्ले स्टोर पर डायरेक्ट मतलब लिंक खोलेगा, और आप वहाँ से सिंपली इस वाले ऐप को फौरन इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पर आपको ढेर सारी मतलब चीज़ें मिल जाएंगी। आप कोई भी मतलब उसमें मैनुअल मोड, वाइट बैलेंस वगैरह, ISO, शटर स्पीड सब कुछ मतलब चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मोबाइल में इनबिल्ट मैनुअल मोड है तो सबसे बेस्ट है आप अपनी पिक्चर्स को मैनुअल मोड में ही लिया करो, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा एक आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर आती है सेकंड टिप ये कि आपने ISO को जितना ज़्यादा डिक्रीज कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप डिक्रीज कर सकते हो, मेरे मोबाइल में मतलब 100 तक डिक्रीज हो जाता है ISO, तो आप डिक्रीज उसको कर दो। क्योंकि अगर आप कहीं पर आउटडोर फोटो मतलब ले रहे हो तो वहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ा हुआ होता है, तो एक्सपोजर को थोड़ा सा वो हल्का सा कम कर देता है और एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। वाइट बैलेंस को आप अपनी मर्जी से किया करो, इसलिए कि वाइट बैलेंस हर जगह अपनी अपनी मर्जी से होता है। कोई किसी को ऑरेंज टोन रखनी होती है तो प्लस साइड पर करता है, किसी को ब्लू टोन रखनी होती है तो माइनस साइड पर रखता है। लेकिन मैं ज़्यादातर माइनस साइड पर सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे डार्क थीम्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि आपको पहले से ही पता है। और भाई तीसरा पॉइंट आता है शटर स्पीड को आपने जो है मतलब अपने हिसाब से सेट करना होता है। मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता क्योंकि हर किसी की पिक्चर क्वालिटी अलग होती है। अगर आप वो ISO की जो पहले हम बात कर रहे थे, ISO की मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडोर पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो आपको अपनी मर्जी से सेट करना, यानी कि आप बिल्कुल डार्क करो तो फिर तो आप नज़र ही नहीं आओगे उसमें। तो आपको अच्छी तरीके से पिक्चर लेनी है, मतलब अपनी सेटिंग करके जो आपको सेटिंग परफेक्ट लगे उस पर लिया करो। शटर स्पीड आपको अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि शटर स्पीड जितनी ज़्यादा अच्छी रखोगी फोटो उतनी ज़्यादा अच्छी आएगी। लेकिन देखो, अगर आप मैनुअल ब्लर सेलेक्ट करते हो तो मैनुअल ब्लर जो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है, जैसे कैमरे DSLR वाली लुक दे देता है आपके, कि मतलब आप सिर्फ नजर आते हो, पीछे से थोड़ा बहुत मतलब वो ब्लर हो जाता है। लेकिन मैं बिल्कुल DSLR वाली लुक तो नहीं देता, क्योंकि इसके जो फोन होता है हमारे, इसके सेंसर बहुत ज्यादा कम है यार। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि यार घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम कर चल रहा है, तो यार थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। शटर स्पीड अपनी मर्जी सेलेक्ट किया करो ताकि आपको एक बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। तो डायरेक्टली हम चल लेते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि अपनी फोटो को मतलब ज़्यादा जूम मत किया करो, जूम मतलब किया ही नहीं करो, जितना मतलब 1x पर होता है वो ऑलरेडी, तो आप उसको उतना ही रहने दिया करो। अगर आप जैसे मैक्रो लेंस में भी पिक्चर लेते हो तो थोड़ी क्वालिटी जो है मतलब फट जाती है, क्वालिटी मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। और अगर आपने जूम कर दी तो फिर बस भाई आपका काम वहीं पर ख़त्म हो गया। आपकी क्वालिटी की जो पिक्चर की क्वालिटी होगी उसकी मतलब बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी, और आपको पिक्चर कहीं पर भी पसंद नहीं आएगी। और जब आप FB वगैरह पर लगाते हो या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी लगाते हो तो उसको क्वालिटी ऑलरेडी गिर जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1x में पिक्चर लिया करो। और जब आप लाइट रूम में उसको लेके जाओगे, उसको एडिट करोगे और उसकी शार्पनिंग बढ़ाओगे तो उस पिक्चर की मतलब शार्पनेस नहीं आएगी उसमें, मतलब जैसे डॉट्स आने लग जाएंगे। और पिक्चर अगर नॉइज रिडक्शन बढ़ाओगे तो इतनी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी जैसे फेक पिक्चर लगेगी, और बिल्कुल भी एक अच्छा लुक नहीं देगी। तो मेरी फोर्थ टिप यही है कि आप पिक्चर को जूम बिल्कुल भी मत किया करो। तो डायरेक्टली हम लोग चले थे अपनी फिफ्थ टिप की तरफ। और ये फिफ्थ टिप मतलब आपको सिंपली मैं आपको बताने वाली, ये है हमारी वीडियो का आज का मेन पॉइंट कि आपके लिए सबसे बेस्ट मोबाइल फोन कौन सा है। मैं आपको बता दूं, आपके लिए बेस्ट मोबाइल फोन वो ही है जो आपके हाथ में, भले वो 1 GB रैम, 8 GB रैम वाला फोन है, या फिर जो है आपके भी रैम या 12 GB रैम वाला फोन है, या आपके पास एक iPhone 12 Pro Max का हाई एंड 512 GB वाला वर्जन है। लेकिन अगर आपको फोटो अच्छी क्लिक करनी आएगी तभी वाली फोटो आएगी, जो आपके मोबाइल में, जो आपके हाथ में मोबाइल है, वो वाला कैमरा आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कैमरा होता है, क्योंकि आपको उसकी आदत होती है। और कोई भी मोबाइल हो, आप बस फोटोग्राफी इसको ट्राई करो, फिर ऐसा ऐसा खुद ही ग्रो करते जाओगे। जब पिक्चर को रिटच करोगे तो बहुत ज्यादा एक अच्छा लुक देगी। तो फोटोग्राफी सीखो, एक दिन में अगर आप जैसे कोई भी फोटो ज्यादा से ज्यादा क्लिक किया करो, कि एक दिन में आप पीटर मैकेनन तो बन नहीं जाओगे, जैसे सबको पता है, क्योंकि पीटर मैकेनन को कितने साल हो, आप उसको ये नहीं देखो कि आजकल की उसकी वीडियो का, आप ये देखो जो उसकी फर्स्ट वीडियो थी वो कैसे फोटोग्राफी पहले करता था, और पहले से एक बहुत ज्यादा अच्छा फोटोग्राफर। तो एक ही दिन में आप पीटर मैकेनन तो नहीं बन सकते, इरफान जुनेजा तो नहीं बन सकते, तो कोशिश करते रहो, ग्रो, इंशाल्लाह आप हो जाओगे फोटोग्राफी में। और यार सबसे लास्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट जो है हमारा, फोटो को रीटचिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप DSLR 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपये का, भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, 1 लाख रुपये का भी अगर आपने DSLR ले लिया, बेस्ट लेंस ले लिया, दुनिया का बेस्ट, लेकिन अगर जब आप पिक्चर को क्लिक करोगे तो पिक्चर ऐसी नहीं आएगी जैसी आप लेना चाहते हो, या जैसी आप उसको चाहते हो, जैसे आप पीटर मैकेनन वगैरह की देखते हो कि कितनी ज़्यादा अच्छी फोटोज होती हैं, ऐसी फोटो नहीं आएगी। तो इसलिए आप पिक्चर को रीटच किया करो। लाइट रूम आपके पास PC वर्जन है, या फिर कोई भी आपके पास कोई भी रीटचिंग वाला ऐप है, फोटो को रीटच या
एडिट जरूर किया करो, उसमें पीएनजीज वगैरह लगाया करो ताकि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक दे और आपको एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और मतलब पिक्चर को शार्प लाजमी क्या करो, क्योंकि जब आप शार्पनिंग बढ़ाते हो तो पिक्चर का साइज वगैरह बढ़ता है और एक बहुत ज्यादा अच्छी लुक देती है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो लाइक मस्त कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, भाई को दुआ में याद रखना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चल मेरा पुत्र छुट्टी कर।